नमस्कार, मैं हूं स्वनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। हरियाणा के हिसार हांसी उपमंडल के एक गांव में गुरु ने शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया है। सरकारी स्कूल के ड्राइंग टीचर पर अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली नाबालिग शिष्या के साथ 5 सालों तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपित रिटायर्ड टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टीचर राजवीर को पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हांसी के एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मात्र 19 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें ड्राइंग टीचर पर अपहरण करने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय आरोपित स्कूल टीचर 2 साल पूर्व रिटायर हो चुका है। वह 2015 में जिस स्कूल में कार्यरत था, उसी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग शिष्या को हवस का शिकार बना रहा था। करीब 5 सालों तक टीचर ने किशोरी का शारीरिक शोषण किया। अब नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह युवती को डरा डरा कर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पिछले दिनों रिटायर्ड मास्टर ने बालिग हो चुकी युवती का अपहरण कर लिया, वह दुष्कर्म किया। आखिर युवती किसी तरह मास्टर के चुंगल से स्वयं को छुड़ाकर अपने घर पहुंची और सालों के शोषण की पूरी दास्तां परिवार के समक्ष बयान किया, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और सदर थाना पुलिस ने पोक्सो SC ST एक्ट व अन्य धाराओं के मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी ड्राइंग टीचर राजवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपित व्यक्ति को पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश करेंगी व रिमांड मांगेगी।